Subscribe and press the bell icon for latest update. बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के लिए नई कमेटी का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि महेंद्र पांडे को पिछले साल के अगस्त महीने में केशव प्रसाद मौर्य की जगह अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन 5 महीने से वो पुरानी टीम के साथ ही काम कर रहे थे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने से पहले पांडे मोदी सरकार में मानव संसाधन राज्य मंत्री थे। यूपी बीजेपी की नई टीम में 2-4 चेहरों को छोड़कर सब पुराने नाम है। 15 नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष और 6 नेताओं को महामंत्री बनाया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि इस पद पर रहे राजवीर सिंह की छुट्टी कर दी गई है। राजवीर एटा से सांसद और यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के बेटे हैं। सबसे चौंकाने वाला नाम सुधीर हलवासिया का है। लखनऊ के कारोबारी और राजनाथ सिंह के करीबी इस नेता को उपाध्यक्ष बनाया गया है। बीएसपी छोड़कर आए हलवासिया को पहली बार में ही इतना बड़ा पद मिलने से सब हैरान है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को फिर से महामंत्री बनाया गया है। वे नोएडा से पार्टी के एमएलए भी हैं। मायावती के बारे में अपमानजनक बयान देने वाले दया शंकर सिंह की घर वापसी हो गई है। उन्हें फिर से प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी ने दया को पिछले साल बीजेपी से निलंबित कर दिया था। उनकी पत्नी स्वाति सिंह योगी सरकार में राज्य मंत्री हैं। उनकी जगह दर्शना सिंह को महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। वह चंदौली की रहने वाली हैं। यहीं से खुद महेंद्र पांडे यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं। SPN9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।